क्यों? इसलिए लड़कियां कर रही हैं क्योंकि आप कहते हैं ना हम सब बराबर हैं, अगर लड़के नशा कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती। एक नाटक के जरिए जो है ब्रह्म कुमारी जी जहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं नशा मुक्ति के तहत, और आप इसे देख सकते हैं कुंभकर्णी जी भी, इनकी प्रतिमा रखी हुई है, क्या इनका उद्देश्य आज जाने की? मैम सबसे पहले आपका नाम क्या है और आज का उद्देश्य क्या है यहाँ पे? मेरा नाम राजकुमारी है और जो हमारा उद्देश्य है वो जैसे दुनिया आज कुंभकर्ण की तरह सो चुकी है अज्ञानता की नींद में, ना खुद की पहचान है ना खुदा की पहचान है, तो हम सभी को ईश्वरीय ज्ञान दे करके आत्मा की जागृति लाने के लिए जहाँ आए हैं, और हम जाके हर जगह जाके ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और दूसरी जो हमारा ये मेन जो लक्ष्य है वो है आज हमारा जो भारत देश है जो आज नशे में इतना ग्रस्त हो चुके हैं, जो आज हमारे बच्चों की बुरी हालत हो चुकी है, जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ इतना नशा बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे हैं, तो आज हम ये चाहते हैं जो हमारा भारत देश है वो नशा मुक्त कैसे बने, तो नशा मुक्त बनाने के लिए हमने ये अभियान चलाया है। मैम कहाँ कहाँ आप जा रहे हो और क्या आप देखते हो कि पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो भी आएगा शौक मारते हैं, अपना फैशन मारते हैं कि हम नशा कर रहे हैं, हालांकि वो पढ़े लिखे हैं और जो नशीली चीज़ें हैं उनमें लिखा भी होता है कि तंबाकू हो गया या शराब हो गया वो सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग कर रहे हैं, क्या आप जो जागरूकता कर रहे हैं इससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, जब उनको समझ आएगी। जो बच्चा आज नशे कर रहा है ना उसको पहले समझ नहीं है मैं कर क्या रहा हूँ, वो तो शौक के लिए कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। और कई बच्चे जब नशा करते हैं वो कहते हैं ये हमें अच्छा लगा है, थोड़ी देर के लिए करते हैं लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा। जब वो लास्ट बच्चे पहुँचते आगे बच्चे ज़्यादा ही जब लेने लगते हैं तो बच्चे उस समय अपना जीवन ही खो बैठते हैं। और कुछ नशे करके कोई गाड़ी चला रहा है वो खुद भी अगर मरेंगे तो दूसरों को भी मार देते हैं, और हमें यही कहते हैं नशा नहीं करना चाहिए और नशे से बचो। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये कहेंगे जो उनके माँ बाप हैं वो नशे पे पूरा ध्यान दें, क्योंकि बच्चों ने नशा कहाँ से सीखा, बच्चों तो ऊपर से सीखे कोई भी नशा नहीं आया, क्योंकि नशे उन्होंने किसी को देखा है ना, किसी ने करवाया उनको नशा, तो इसलिए पहले जो माँ बाप हैं वो बच्चों के दोस्त हैं। और अगर आपका बच्चा आपसे कहीं थोड़ा दूर चल रहा है, चुप रह रहा है, आपसे बार बार पैसे मांग रहा है, तो माँ बाप को उस बच्चे से जरूर पूछना चाहिए बच्चे तुझे पैसे क्या करने हैं, बच्चा आपका कहाँ जा रहा है। इसलिए बच्चों को नशा मुक्त बनाओ, खुद भी नशा मुक्त बनाओ। पहले तो मैम ज्यादातर लड़के करते थे, आजकल तो लड़कियाँ भी कर रही हैं, फैशन बन गया है। क्यों? इसलिए लड़कियाँ कर रही हैं क्योंकि आप कहते हैं ना हम सब बराबर हैं, अगर लड़के नशा कर सकते हैं तो लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती हैं, अगर लड़के कोई काम कर सकते हैं तो लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए लड़कियाँ भी कर रही हैं। तो हमारे हम तो ये कहेंगे सभी को नशा ही नहीं करना चाहिए, नशा करना ही है तो भगवान की याद का नशा करो, ईश्वरीय नशा करो, जिससे आपको प्राप्ति हो और आपका जीवन अच्छा बने। मैं जो नशा छोड़ना चाहता है वो किस तरह से नशा छोड़ सकता है? क्योंकि वो तभी नशा छोड़ सकता है जब उसको नशा छोड़ने की एक समझ आएगी ये नुकसानकारक है, और जो ईश्वर का नशा करके इसमें फायदे कितने हैं, और जो आत्मा इस समय हमारी इतनी कमजोर बन गई है वो छोड़ना भी चाहता है छोड़ नहीं पा रहा है, इसलिए सबसे पहले तो आत्मा को ताकतवर बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। लोगों के पास आज महल है, माड़ियाँ, बंगले, फिर भी लोग मरने जा रहे होते हैं, फिर भी लोग कहते हैं यार मेरा मन करता मर जाऊँ। हम उनको पूछते हैं क्यों मरना चाहते हो आप, सब कुछ आपके पास, कहता है सब कुछ है लेकिन सुख शांति नहीं है। इंसान को क्या चाहिए आज? सुख और शांति चाहिए। जो सुख और शांति है ये किसका गुण है? ये आत्मा का गुण है। जैसे शरीर के अंदर से पानी कम हो जाता है तो इंसान को वीकनेस महसूस होती है, और बाजू कम हो जाती है तो वीकनेस महसूस होती है, ऐसे आत्मा के जो गुण थे, जो वो आत्मा थी जो शांति स्वरूप थी, प्रेम स्वरूप थी, शक्ति स्वरूप थी, ज्ञान स्वरूप थी, आनंद स्वरूप थी, पवित्रता स्वरूप जो आत्मा थी, वो शक्तियाँ उस आत्मा से खो चुकी हैं। खो कैसे गई? क्योंकि आज इंसान जब नेगेटिव ज़्यादा सोचता है तो नेगेटिव सोचने से क्या होगा, जो आत्मा उसकी वीक होती जाएगी, जब वीक होती जाएगी तो जो वो अच्छे कर्म करना भी चाहेगा तो उधर उसका मन कम जाएगा, उसके जो जाएगा गलत साइड में ज्यादा जाएगा। तो मैम ये एक बात में पूछना चाहूंगी, जो कुंभकर्ण जी की प्रतिभा स्वरूप बनाया हुआ इससे क्या उद्देश्य रहेगा, लोगों क्या संदेश है? इसलिए ये रहेगा, जो कुंभकर्ण वो नहीं था जो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, सबसे बड़ी बात है 6 महीने का कोई व्यक्ति सो ही नहीं सकता, तो 6 महीने कोई व्यक्ति जाग ही नहीं सकता, ये अज्ञानता की नींद थी। सतयुग त्रेता में हम सारे जागृत अवस्था में थे,
द्वापर जब आया तो हम सारे कुंभकर्ण की नींद में सो गए, अज्ञानता नहीं। ऐसे तो इतिहास में लिखा हुआ ना, हमारे उसमें लिखा हुआ, ग्रंथों में लिखा हुआ गया शास्त्रों में कि वो इनको ना वरदान दिया हुआ था कि 6 महीने आप निद्र अवस्था में रहोगे। देखो जो शास्त्र बनाए ना वो भी आप जैसे और मेरे जैसे लोग ही थे, उन्होंने किस ढंग से बनाए होंगे वो तो मैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो वास्तव में थी अज्ञानता की निद्रा थी। मतलब उसमें क्या वो गलत लिखा हुआ? नहीं नहीं, हमने कहा गलत लिखा हुआ, जिन्होंने लिखा उन्होंने अपनी सोच से अच्छा लिखा है। जो लिखा वो ठीक लिखा, आज इससे क्या हुआ? आप इसलिए आप अपने अंदर जागृति लाओ। अच्छा, अज्ञानता की निंद्रा से जागो। अच्छा। और जागृति लाओ, मतलब कि नशा छोड़ो और जागृति लाओ। आपके जहाँ पे जो आपका संस्था है, क्या आपका वो कॉन्टेक्ट क्या रहेगा जहाँ पे लोगों ने पहुँचना हो, कैसे पहुँच सकते हैं? क्योंकि हमारे ये दिया ऑफिशियल एड्रेस दिया हुआ है, हमारा जो रोड है वो फुलवाड़ी है और जगह ठेरे है, और हमारा इसमें फोन नंबर भी हमने दिया हुआ है। नशा छुड़ाने का है? बिल्कुल बिल्कुल है, नशा बहुतों के नशे छुड़ा चुके हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि झिझक रहे थे जब आपने बोला कि जो नशा छोड़ना चाहता है वो कांटेक्ट करे, बड़े लोग होते थोड़ी शर्म करते हैं, कुछ लोग कांटेक्ट भी करेंगे आपको शायद बाद में, तो उनको क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए मैसेज रहेगा ऐसा कुछ नहीं है, जो बाहर की चीज है उसको बाहर ही जाने दो, क्योंकि जो नशा हमारे अंदर की चीज तो है ही नहीं है, जो अंदर का नशा उसको जागृत करो, है ना।